Moments later. Hey guys, what's up? So, आज जाके मेरे सारे entrances खत्म हुए हैं और अब जाके मेरे पास ढाई महीने की छुट्टी है, पूरा ढाई महीने, मतलब I'll be free. और आज मैं आया हूँ मोहित के घर, बस मस्ती करने ही नहीं आया हूँ, एक और कारण है. आई एम श्योर आपने टाइटल और थंबनेल देख के आया होगा. यस, आई हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन. अब वो कौन सा फ़ोन है, क्यों मैंने लिया और कब लिया, ये आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा. स्टे ट्यून्ड. यहाँ के बंदरों को ना भगाओ तो सब सर पे चढ़ जाते हैं. वेल, आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फ़ोन. सो अभी मैं यूज़ करता हूँ रियलमी 2 एंड इट्स बीन 8 months सिंस आई एम यूजिंग माई फ़ोन. और लास्ट वीक एक्चुअली मैं इतना केयरलेस हूँ कि जब मैं लास्ट वीक ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उस पर पानी गिर गया था और फिर उसके बाद इट स्टार्टेड गिविंग मी प्रॉब्लम्स. एक्चुअली मेरे सारे फ़ोन जितने भी काम होते हैं मैं फ़ोन पे ही करता हूँ, तो उस पर पानी गिरने की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होने लगे क्योंकि वो लैग करने लगा. फिर काफ़ी पापा से बात हुई कि पापा मेरे को नए फ़ोन की ज़रूरत है. सो एट लास्ट ही अग्रीड एंड आई ऑर्डर्ड माई फ़ोन और बॉक्स अंदर पड़ा हुआ है. आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. So this is the Redmi Note 7 Pro, the best selling smartphone in its price segment, and it was very difficult for us to get it, है ना मोहित? बहुत ज़्यादा यार, ये धूप में घूम घूम के हम किस तरह से जा के दूसरे दूसरे टावर पे देखते थे कि कहाँ पे नेट स्पीड तेज आ रहा है ताकि वी कैन ऑर्डर दिस फोन. और आज ये आया है वी आर सो हैप्पी. इसमें जो लोग कहते हैं कि Redmi ने फ्लॉन्ट किया 48 megapixel देके कि इसका कैमरा ख़राब है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सही कैमरा है इसका. और आप लोग के लिए मैं कुछ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, ये देखिए. तो बात करते हैं व्लॉगर्स के लिए ये फ़ोन कैसा है. व्लॉगर्स को क्या चाहिए? एक वाइड एंगल लेंस चाहिए, एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए और इमेज स्टेबलाइजेशन चाहिए फ्रंट कैमरे में. सो नाउ आई विल बी व्लॉगिंग ऑन माई Redmi Note 7 Pro. क्लैरिटी के मामले में आप मुझे बताओ कि ये ज़्यादा अच्छा है या Realme ज़्यादा अच्छा है, नीचे कमेंट सेक्शन में. मैं लगभग सारे कमेंट्स पे रिप्लाई कर देता हूँ और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इसका क्लैरिटी. और रही बात वाइड एंगल की, तो हाँ उतना ज़्यादा वाइड नहीं है, बट हाँ आप व्लॉगिंग के टर्म्स में इसमें चला सकते हो काम. और माइक्रोफोन कैसा है ये तो मैं एडिटिंग पे बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा. और रही बात इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो एक बार मैं यहाँ से वहाँ दौड़ के देखता हूँ, देखते हैं कैसा. तुमको बोले तो ना हट जाओ. इसको मैंने बोला कि हट जाओ, मैं इमेज स्टेबलाइजेशन टेस्ट करूंगा, दौड़ के हटा ही नहीं. अरे मैं बैठा हुआ था, कैसे हट जाओ अचानक, मुझे ऐसे करे हटो हटो हटो. One eternity later. हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसके इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में. सच बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, बट मैंने अभी वापस से फुटेजेस को देखा तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं, हल्का फुल्का है
हाँ प्रोफेशनल कैमरे जितना आपको नहीं मिलता है बट ठीक ठाक इमेज स्टेबिलाईजेशन देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके परफॉर्मेंस की, तो मैं इसमें 2-3 गेम खेल रहा था अभी कुछ देर पहले और वो काफी अच्छा काफी स्मूथ रन कर रहे थे। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज इन 15,000 rupees। सो आई वुड रिकमेंड यू दिस ओवर द रियलमी 3 प्रो। और इफ यू हैव द रेडमी नोट 7 प्रो और द रियलमी 3 प्रो देन डू टेल मी योर एक्सपीरियंस अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, फ्रीक्वेंसी वीडियो की बढ़ा दी है मैंने, अब वीडियोज ज्यादा आएंगे बिकॉज छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा, यहाँ तक जाना। मैं वापस से प्ले करके देखा वीडियो तो मुझे भाई यार ऐसे कर दिया।